कि मैंने कहा था जो लोग कमेंट्स करेंगे उनकी कमेंट्स मैं अगली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये है वो कुछ कमेंट्स, आप भी कमेंट करना ना भूले ताकि मैं आपकी कमेंट को अगली वीडियो में दिखा सकूं। वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री में टेलीकास्ट होने वाले सबसे बड़े पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग एंड कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। कौन बनेगा करोड़पति, ये एक टाइप का गेमिंग शो है जिसमें आम जनता अपने ज्ञान के जरिए जनरल नॉलेज सवाल का जवाब देकर करोड़पति बनते हैं, जिसको सोनी चैनल पर टेलीकास्ट किया जाता है। लेकिन सोनी चैनल से पहले इस शो को किसी और चैनल पर टेलीकास्ट किया जाता था, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। इस शो को टेलीकास्ट किया गया था 3 जुलाई 2000 को। अब तक इस शो के 13 सीजन्स आ चुके हैं और इन 13 सीजन्स के टोटल 937 एपिसोड्स हो चुके हैं। इस शो ने लोगों के दिलों में 21 साल से अपनी जगह बनाई हुई है। इस शो को होस्ट करते हैं इंडियन सिनेमा के लिविंग लीजेंडरी एक्टर श्री अमिताभ बच्चन जी, और इन्होंने इस शो को ऐसे होस्ट किया हुआ है कि केबीसी को अमिताभ बच्चन जी के बिना कोई सोच भी नहीं सकता। इस शो को डायरेक्ट करते हैं, इस शो के डायरेक्टर है अरुण शेख कुमार। इस शो के प्रोड्यूसर है सिद्धार्थ बासु। ये शो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। इस शो की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है। इस शो को 8.4 IMDb रेटिंग मिली हुई है। अब बात करते हैं इस शो से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। वीडियो को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इंडियन टीवी रियलिटी शो कहीं से इंस्पायर होता है, और ये शो इंस्पायर है ब्रिटिश टेलीविजन रियलिटी शो वू वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर, जिसको 1999 में टेलीकास्ट किया गया था। केबीसी शो की अमाउंट प्राइस से लेकर लाइफलाइन तक इस शो से मैच करती है। भले ही इस शो को कॉपी किया गया हो, लेकिन आज भी लोगों के दिल में इस शो को देखने की उत्सुकता बनी रहती है। और ऐसा कहते हैं ना कि अगर सही तरह से किया जाए तो नकल करना भी एक आर्ट है। केबीसी एक बहुत पुराना शो है और इस शो के टोटल 13 सीजन्स आ चुके हैं, लेकिन इस शो के शुरू के 3 सीजन को स्टार प्लस पर टेलीकास्ट किया जाता था। जब 2007 में अमिताभ बच्चन जी की तबीयत सही ना होने की वजह से वो इस शो को आगे होस्ट नहीं कर पाए थे, तब इस शो को आगे होस्ट करने के लिए सीजन 3 में शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था। लेकिन लोगों को अमिताभ बच्चन जी की कमी बहुत खली। जितना प्यार अमिताभ बच्चन जी को इस शो से मिला, उतना प्यार शाहरुख खान को नहीं मिल सका। शायद इसी वजह से इस शो की TRP नीचे चली गई और इसी वजह से स्टार प्लस ने इस शो को ऑफ एयर कर दिया। कौन बनेगा करोड़पति, जैसा कि इसके नाम पर से मालूम पड़ता है कि इस शो की विनिंग अमाउंट 1 करोड़ रुपए होगी। लेकिन जब इस शो को स्टार्ट किया गया था तो तब इस शो की प्राइस अमाउंट 1 करोड़ रुपए थी, और टाइम के साथ इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसके अमाउंट को बढ़ाया गया। सीजन 2 और 3 में अमाउंट को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की गई। सीज़न 4, 5, 6 में 5 करोड़ और बाकी के सीजन्स में प्राइस बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए की गए। आप सबको टीवी से इसका सेट दिखने पर बहुत बड़ा और आलीशान लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस शो का सेट बहुत ही छोटा है, बिल्कुल एक गैरेज की साइज़ जैसा, जिसमें सिर्फ 70 से 80 लोग बैठ सकते हैं। पहले इसका शो मुंबई के गोरेगांव में लगा हुआ था, लेकिन बाद में इस शो का सेट तारक मेहता का उल्टा चश्मा की गोकुलधाम सोसाइटी के बाजू में लगा दिया गया। यदि आप चाहे तो इस शो में ऑडियंस बन के जा सकते हैं। जब इस गेम शो को स्टार्ट किया जाता है और जैसे ही अमिताभ बच्चन जी कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो ये पूरी सिचुएशन एक बहुत बड़ी टेक्निकल टीम हैंडल करती है। जैसे कि सही क्वेश्चन को टाइम पर स्क्रीन पर शो करना, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी जब क्वेश्चन करते हैं कि ये आवाज़ किसकी है, ये गाना कौन सी मूवी का है, तो टेक्निकल टीम इसे हैंडल करती है और स्क्रीन पर दिखाती या सुनाती है। इसके साथ एक टेक्निकल आदमी अमिताभ बच्चन जी के कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए उसी स्टेज के नीचे फर्श पर बैठा रहता है। अगर बात करें इस शो पे एज अ कंटेस्टेंट जाने की, तो इस शो में जाने के लिए सभी को 3 राउंड से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला राउंड है
आप अपने मोबाइल से सही जवाब SMS करके अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं। दूसरा राउंड है पर्सनल कॉल, जिसमें आपसे कॉल पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सही जवाब देने पर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए मुंबई बुलाया जाता है। तीसरा राउंड है जिसका नाम है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जो आप TV पे देखते हो, जिसमें आप सही और सबसे तेज जवाब देकर हॉट सीट तक पहुंच सकते हो। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड होने के बाद थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया जाता है, जिसमें जो कंटेस्टेंट राउंड जीता है उसका मेकअप किया जाता है ताकि वे TV पे देखने में अच्छा लग सके। और तब तक अमिताभ बच्चन जी अपने कैबिन में जाकर जो कंटेस्टेंट राउंड जीता है उस कंटेस्टेंट का बैकग्राउंड के बारे में KBC मेकर्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इस शो में अमिताभ बच्चन जी बहुत सारे बेहतरीन सूट्स पहने दिखाई देते हैं, जिसको KBC के फैशन डिज़ाइनर डिज़ाइन करते हैं। और इस शो में जितने भी सूट्स अमिताभ बच्चन जी पहनते हैं उन हर एक सूट की कीमत 10 लाख रुपये होती है। शो की विनिंग प्राइस अमाउंट 1 करोड़ रुपये है, लेकिन गवर्नमेंट के टैक्स रूल को ध्यान में रखकर आपको विनिंग अमाउंट का सिर्फ 70% दिया जाएगा, बाकी 30% का इनकम टैक्स कटेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 करोड़ रुपए जीतते हो तो आपको सिर्फ 17 लाख रुपए मिलेंगे, बाकी के 30 लाख का इनकम टैक्स कटेगा। शो के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसको 20 सालों से फॉलो किया जा रहा है, और इसके रूल्स के अकॉर्डिंग कंटेस्टेंट चाहे जीते हारे या गेम क्विट कर दे, लेकिन वो इस शो को छोड़कर नहीं जा सकते जब तक इस शो की शूटिंग पूरी ना हो जाए। जब अमिताभ जी कोई भी क्वेश्चन करते हैं और जब तक कंटेस्टेंट उसके एक ऑप्शन को लॉक नहीं कर लेता, तब तक अमित जी को भी उसका जवाब नहीं पता होता। जैसे कि आंसर लॉक करने के बाद अमिताभ बच्चन जी के कंप्यूटर स्क्रीन पर उसका जवाब दिखाया जाता है। इस शो को लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया है और इस शो को हिंदी के अलावा मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और भोजपुरी लैंग्वेज में भी लॉन्च किया जा चुका है। मराठी में इस शो को नागराज मंजुले और सचिन जी होस्ट कर चुके हैं, तेलुगु में नागार्जुन, कन्नड़ में पुनीत राजकुमार, तमिल में सूर्या और भोजपुरी में शत्रुघ्न सिन्हा जी होस्ट कर चुके हैं। वैसे तो इस शो को अमित जी की वजह से जाना जाता है, लेकिन इस शो की एक ऐसी पहचान है जो आज तक नहीं बदली, वो है इस शो का थीम म्यूजिक। को कंपोज किया था बंगाल की फीमेल कंपोजर सावन दत्ता ने। अगर आपको लगता है कि इस शो में ऑडियंस पोल के लिए सभी ऑडियंस को वोटिंग मशीन दी जाती है, तो ऐसा नहीं है। इनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों को वोटिंग मशीन दी जाती है और ऑडियंस पोल ऑप्शन को क्वेश्चन की अमाउंट पर से तय किया जाता है। अगर क्वेश्चन 10,000 से 25,000 के बीच का है तो पोल के सही होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने 25 लाख से 1 करोड़ के क्वेश्चन पर पोल यूज़ किया है तो इस लाइफलाइन का गलत होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इस शो में हर एज के लोगों को आने की परमिशन है, लेकिन आपने कभी भी इस शो में छोटे बच्चों को एज एन ऑडियंस नहीं देखा होगा, क्योंकि इस शो के रूल्स के अकॉर्डिंग 18 साल से छोटे बच्चे ऑडियंस एरिया में नहीं बैठ सकते। इसी वजह से शो को शूट करते वक्त 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कैमरे के पीछे एक स्पेशल एरिया में बिठाया जाता है। पहले के एपिसोड्स में, पहले के सीजन्स में जब अमिताभ बच्चन जी द्वारा जो चेक सेट पर दिया जाता था टेलीविज़न के सामने, वो चेक नकली होता था। शो शूट होने के बाद वो चेक वापस ले लिया जाता था, और अब मोबाइल द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो भी नकली होता है। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ उस बैंक के प्रमोशन के लिए की जाती है। शो में कई सारे सेलिब्रिटी और फेमस पर्सनालिटी अपने फिल्म प्रमोशन के लिए आते हैं, और ये बात आपने नोटिस की होगी कि जो भी सेलिब्रिटी इस गेम को खेलने आता है उसे 8 से 12 लाख रुपए से कम नहीं जीतता, क्योंकि इस शो में जितने भी सेलिब्रिटी वाले एपिसोड्स किए जाते हैं वो सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी गलत आंसर देता है या देने वाला होता है तो क्रू मेंबर द्वारा उसे इशारा कर दिया जाता है या उस शॉट को कट करके उस क्वेश्चन को दोबारा पूछा जाता है। अगर इस शो को लेकर अमिताभ बच्चन जी की सैलरी की बात करें तो उन्हें टाइम के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी बढ़ती रहती है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी के बारे में बताऊं तो अमिताभ बच्चन जी को पर एपिसोड 4 से 5 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। इस तरह के रियलिटी शो में होस्ट करने के लिए अमिताभ बच्चन जी का नाम 2nd highest पेड एक्टर की लिस्ट में आता है। पहले नंबर पर है सलमान खान, जो बिग बॉस को होस्ट करते हैं।
ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।